लोकसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले झारखंड में अगर राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ पर भी सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। एक दिन पूर्व ही एक विधायक ने इस्तीफा दिया है सत्ता पक्ष का, सरफराज अहमद ने। उस इस्तीफे के क्या कुछ मायने हैं हम भाजपा विधायक राज सिन्हा से जानने का प्रयास करते हैं। राज जी, आपके हिसाब से इस इस्तीफे का क्या मायने है? देखिए, ये उनके जेएमएम के आंतरिक कलह के वजह से हुआ कि क्या हुआ कि कांग्रेस जेएमएम के अंतर्द्वंद में हुआ, अब ये तो सरफराज साहब ही बताएंगे, यह उनका अपना मामला है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। देखिए, कई बातें छन करा रही हैं कि बार बार साथ साथ समन देने के बाद भी मुख्यमंत्री का हाजिर नहीं होना, और अब ईडी का सख्त लहजे में सीएम के प्रति कहीं ना कहीं उग्र होना, ये कई तरह की बातें दर्शा रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है राज्य में, किस तरह की उठापटक हो सकती है राजनीतिक स्तर पर अगर बात करें? नहीं, उठापटक क्या, ये तो अराजक स्थिति है इस राज्य की, इस राज्य में अराजकता चरम पर है। अब जब राज्य का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक नियम कानून के पालन करवाने की जिम्मेवारी है, अगर वही संविधान के द्वारा प्रदत्त जो के नियम है, कानून है, संवैधानिक संस्था के जो मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन करेगा, जब मुख्यमंत्री करेगा, तो फिर आम जनता को, आम जनता कैसे कानून का पालन करेगी? इसलिए वो तो बात ही नहीं है, वो तो यहाँ पे कोई अब चर्चा ही बेकार हो गया इस राज्य के अंदर की कानून व्यवस्था भी कोई नाम की चीज है, या मुख्यमंत्री बिल्कुल ही इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि हम कानून व्यवस्था का पूरी तरह से अनादर करें, जनता भी, लोग भी, जितने अपराधी तत्व हैं वो कर रहे हैं, उसका जनता त्राही त्राही कर रही है, तो यह तो राज्य की स्थिति है। अब वो ईडी इनको गिरफ्तार करेगी, ये इस्तीफा देंगे, या कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो इतने बेकार तो नहीं है कि अब कल्पना सोरेन को भी स्वीकार कर लेंगे? कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की केवल पत्नी है, यही ना उनमें खूबी है, बाकी तो जितने इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, या उसको अगर परिवार ही बात करना है तो सीता सोरेन जी हैं, बसंत सोरेन जी हैं, ये लोग क्या बेकार हैं? तो अब देखिए, ये उनकी मामला है, उनका मामला है, वरिष्ठ नेता भी हैं, जो कई एक वरिष्ठ मामला है, कई एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, कई एक वरिष्ठ मामला है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो बोलता है कि कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम आजादी के दिलाने वाले पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, तो 400-400 सीट कभी लेकर के लोकसभा में और सरकार चलाई है वो कांग्रेस पार्टी, अब कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में काम करेगी, ये तो उनको सोचना है। अब वो सोचे, इसमें हमें कोई बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिस परिस्थिति में अभी झारखंड की गतिविधियां चल रही हैं, झारखंड में इस तरह से सीएम बार बार ईडी के बुलावे को नकार रहे हैं? देखिए, हम तो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इस राज्य की अराजकता को देखते हुए, या राज्य जो अराजक स्थिति में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जो गर्त में जा रहा है, अराजकता के गर्त में, तो यहाँ तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लागू करके और यहाँ चुनाव कराना चाहिए। जनता यहाँ त्राही त्राही कर रही है, अपराधी मस्त है, और अब तो यह स्थिति हो गया है कि अपराधी प्रशासन और सरकार का गठजोड़ हो गया है। आज जो धनबाद के अंदर आप देखिए, जेल में ऑटोमेटिक दो दो पिस्टल जा करके और वहां हत्या हो रही है, तो यह तो अब इससे अपराधी गतिविधि का चरम है, ये पराकाष्ठा है। तो इसलिए इस राज्य के अंदर अविलंब सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, और राज्य को जब चुनाव हो नाम जाना चाहिए। आपने तो मांग भी किया था कि जो लोग, जो जेल प्रबंधन के लोग या फिर जो जिला प्रशासन के लोग उस दिन बैंक जेल की छापेमारी में गए थे और खैनी का पुड़िया ये सब लेकर निकले थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं।
कुछ नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कौन कार्रवाई करेगा? जो कार्रवाई करने वाला हो तो खुद कार्रवाई के जद में, और वो बुलाने पर भाग रहा है, जा भी नहीं रहा है, ये तो घोर घोर अपराध है। थोड़ा सा अगर धनबाद की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेदी भेदी जो है वो बजने वाली है, और ऐसे में तमाम जो भाजपा के वरीय नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने दावेदारी पेश करने लगे हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर आपने काफी, धनबाद विधानसभा पर आपने बहुत काम किया है और अब लोकसभा चुनाव होना है, तो आपकी दावेदारी रहेगी लोकसभा सीट के लिए? देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जी, जो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत को, तो हमारे पार्टी में कोई दावेदारी पेश नहीं होती है, कोई अपनी दावेदारी पेश नहीं करता पार्टी, और कोई वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी टिकट देती है और वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। तो हमारे यहाँ पार्टी सर्वोच्च है, पार्टी हमारी माँ है, और पार्टी जिसको जो कहती है वो कार्यकर्ता करते हैं। तो ऐसे में कोई दावेदारी उदारी पेश हो, हमने तो आज तक कभी दावेदारी पेश नहीं किया, कभी कोई अपना जो व्यक्तिगत जो क्या बोलते हैं उसको सीवी लोग बना बना के आजकल जो, तो वो सब हम लोग कभी हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग तो उस जमाने के कार्यकर्ता हैं जब पार्टी कहती थी कि भैया अपना, हम लोग अपना कभी आज तक आपने नहीं देखा कि मैंने अपने गाड़ी पर कभी बोर्ड लगाया, या हम लोग जब विधायक नहीं थे तो अपना भारतीय जनता पार्टी का हम पैड या अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते थे, उसमें जो जिलाध्यक्ष रहा जो पद पर रहा वो लिखता था। तो हम लोग उस ये के पालन करने वाले हैं, पार्टी के प्रति अपना काम करते हैं, दायित्व का निर्वहन करते हैं, बाकी पार्टी अपना देखेगी, पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे, पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी उसके लिए काम करेंगे। बहुत अच्छी एक चीज और, 22 तारीख को पूरा देश जो है अब धीरे धीरे राममय होने चला है, धनबाद में आप लोगों के असर से क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, हम लोग 22 तारीख को राममय तो धनबाद भारतवर्ष पहले से है देश, और हम लोग बिल्कुल राम जी का उस दिन अपना राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम लोग अभी तो अक्षत जो पूजित अक्षत आया है वो निमंत्रण पत्र घर घर बट रहा है सब लोगों को जी। सब लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग उस दिन में 10 बजे से 1 बजे तक ना स्क्रीन लगा कर कहीं मंदिर में सब लोग इकट्ठा हो, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखे, भजन कीर्तन करे, कोई सुंदर कांड करे, जो भी पढ़ना है जी उसको पढ़े, भजन करे राम जी का, और शाम में सब लोग अपने अपने घर पे दीपोत्सव मनाएं। जब 14 वर्ष के बाद भगवान आए थे तो इतना बड़ा दिवाली मनता है, हम लोग दीपोत्सव मनता है, तो अभी तो 500 वर्ष के बाद भगवान के मंदिर का, उनके घर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, भगवान आ रहे हैं और मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो उस दिन तो भव्य दीपोत्सव मनाएंगे हम लोग, मनाना चाहिए बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी धनबाद विधायक राज सिन्हा जी से बात हुई, उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी कहीं ना कहीं सिफारिश की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से समन पर समन आते जा रहा है और वो उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, उस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही इन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी अपनी दिल की जो बातें हैं वो कही है, और बात करें भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम की, तो उस दौरान भी इन्होंने धनबाद की जनता से और आम जनता से अपील की है कि वो जिस तरह से 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम पहुंचे थे अपने धाम में, तब जो दीपावली मनाई गई थी उसके अवसर पर जो हम लोग दीपावली मनाते हैं, जब 500 वर्षों के बाद उनका पुनरागमन हो रहा है, पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वो और भी भव्य होना चाहिए। तो इनकी अपील को हम धनबाद की जनता से भी अपील करेंगे कि इनकी अपील को जरूर सुने और अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां जाकर 22 तारीख को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव होने वाला है उसे बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र में करने का जरूर प्रयास करें। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप।